अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहासेब हाशमी और ये है फोर्ड F-150 शेल्बी 2017 मॉडल। ये फोर्ड F-150 का बेसिकली शेल्बी वर्जन है जो कि टॉप ऑफ द लाइन से भी एक लेवल ऊपर होता है। टॉप ऑफ द लाइन फोर्ड में रैप्टर आता है, लेकिन वो गाड़ी 350-400 पावर के आसपास होती है। ये गाड़ी 750 पावर है और लिटरली इस गाड़ी की स्पीड सुपरकार के बराबर है। ये गाड़ी 0-100 मीटर 5 सेकंड करती है। पावरफुल तो बहुत ज्यादा है ही, साइज के लिहाज से भी अच्छी खासी मैसिव है, साउंड के लिहाज से भी ये गाड़ी बहुत लाउड है और प्राइस के लिहाज से भी ये गाड़ी आपको प्रोडक्ट प्राइस में मिल जाती है। तो ये मेरे ख्याल से हर लिहाज से एक बहुत जबरदस्त चीज़ है और ये सब मैं कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, तो वो है इस गाड़ी की प्राइस। इसकी डिमांड 2,95,00,000 रुपए है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोड्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्रेफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और उसके अलावा यहाँ पर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे गाड़ियों में बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग या कार केयर वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोड स्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great pickup truck and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. लेकिन इस रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। खैर, अगर बात की जाए शेल्बी की, तो शेल्बी बेसिकली फोर्ड F-150 का अपना वेरिएंट नहीं है। ये एक आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन है जो कि टस्कनी और शेल्बी मिलकर करते हैं। ये गाड़ी बेसिकली फोर्ड F-150 लैरियट होती है। F-150 में 6 मेन वेरियंट्स आते हैं, XL, XLT, लैरियट, किंग रेंज, लिमिटेड और फिर रैप्टर। रैप्टर टॉप ऑफ द लाइन होता है, लेकिन ये गाड़ी लैरियट जो कि मिडिल ट्रिम होती है उसको लेके मॉडिफाई करते हैं और मॉडिफिकेशन के बारे में सुपरचार्जर ऐड कर दिया जाता है। और लाजमी नहीं है कि हर शेल्बी के अंदर सुपरचार्जर आए, कुछ गाड़ियों में होता है, कुछ में नहीं होता। ये गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन चीज़ है, इसमें सुपरचार्जर भी है और वो हर वो चीज़ है जो कि फोर्ड ऑफर कर सकता है। ये सब मैं कवर करूँगा इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट एंड की, तो ये इसका प्री फेसलिफ्ट लुक है। ये गाड़ी क्योंकि 17 मॉडल है तो 17 तक इसकी ये शेप आई थी। 17 के बाद इसको फेसलिफ्ट कर दिया गया था और उसका रिव्यू मैंने किया हुआ है किंग रेंच वर्जन का। किंग रेंच बेसिकली लॉन्ग बेड होता है और उसका रिव्यू आप जाके हमारे पेज पे देख सकते हैं। उसमें इसकी हेडलाइट को चेंज कर दिया गया था। फिर मैंने 2020 रैप्टर का रिव्यू भी किया हुआ है, 2021 मॉडल नई वाली शेप का भी रिव्यू किया हुआ है लिमिटेड में। ये गाड़ी 2017 में शेल्बी है, लेकिन पावर के लिहाज से ये गाड़ी उन सब गाड़ियों से बहुत ऊपर है। इसकी हेडलाइट्स में ये LED पॉइंट्स दिए गए हैं और इसकी जो DRLs हैं ये ऑरेंज आती हैं जो कि इसकी लुक को बहुत मीन सा बनाती हैं। फेसलिफ्ट के बाद इनको वाइट कर दिया गया था और इसके अलावा इसका बोनट जो है ये भी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू सिंपल F-150। इसका ये सेंटर वाला एरिया काफ़ी रेज्ड है और इसमें यहाँ पे एयर के स्कूप्स दिए गए हैं जहाँ की हवा सक करके इसके सुपर चार्जर के अंदर फीड करता है। इसके अलावा बम्पर वगैरह इसमें नॉर्मल सा दिया गया है। फॉग इसकी हेलोजन वाली आती है क्योंकि गाड़ी लैरियट है। इसमें जो लिमिटेड वर्जन होता है या किंग रेंच होता है उसमें फॉग लाइट LED वाली आती है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी फ्रंट पे पार्किंग सेंसर ऑफर नहीं करती, इसके बड़े वजह ऑफर करते हैं। लेकिन इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा सेटअप दिया गया है, तो इसमें यहाँ पे एक कैमरा दिया हुआ है फ्रंट पे और इसके ऊपर एक वॉशर भी आता है। क्वालिटी के लिहाज से फोर्ड बेस्ट गाड़ी ऑफर करता है, किस तरह से मैं भी कवर करूंगा। बाकी ऊपर इसकी विंडशील्ड में एक यहाँ पे सेंसर दिया गया है जो कि रडार का है। वाइपर इसमें अच्छे खासे मैसेज दिए गए हैं और ये गाड़ी हाइट में भी रेस्ड है। उसकी वजह यह है कि इसमें सस्पेंशन भी आफ्टर मार्केट है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो ये भी काफी हद तक रैप्टर से मिलती जुलती है, लेकिन ये रैप्टर जितना चौड़ा नहीं है, ऊंचाई में उतना ही है, लेकिन इसके फेंडर्स नॉर्मल हैं। रैप्टर के फेंडर्स साइड पे 2-3 इंचेस बाहर होते हैं और उसकी वजह यह है कि उसमें टायर्स वगैरह बॉडी से बहुत बाहर आते हैं और उनको एकोमोडेट करने के लिए फेंडर्स को मोटा कर दिया जाता है, फ्रंट से भी और बैक से भी। और उसी वजह से उसके ऊपर मार्कर लाइट्स आती हैं, यानी कि यहाँ पे ऑरेंज लाइट होगी, फ्रंट पे 3 लाइट्स होंगी ऑरेंज, बैक पे ऑरेंज लाइट्स होंगी। इसमें वो चीज़ नहीं दी गई क्योंकि ये US की रेगुलेशंस के एन अकॉर्डिंग है। ये गाड़ी 79.9 इंचेस चौड़ी है जबकि रैप्टर इससे ऊपर निकल जाता है, तो फिर उस पर मार्कर लाइट्स प्लेस करनी पड़ती हैं। इस पर मार्कर लाइट्स वाली कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। खैर, इसके अलावा इसमें फेंडर्स जो हैं ये काफ़ी मोटे दिए गए हैं। शेल्बी में यहाँ पे एक एयर इनटेक दिया गया है शेल्बी का, ये चीज़ आपको छोटे वर्जन में नजर नहीं आएगी। और इसके अलावा बाकी साइड मिरर्स गाड़ी के रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं और उसके अलावा इनमें नीचे कैमरास भी आते हैं, पेडल लैंप्स भी आते हैं। इसका जो इंडिकेटर है इसमें एक लाइट आती है जो कि आप अंदर से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये काफ़ी ब्राइट लाइट है जो कि आपको साइड का अच्छा खासा व्यू देगी। फिर इसके अलावा इसमें ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर भी आते हैं और इसमें फिर ऑटो डिमिंग वाला फीचर भी आता है। तो बेसिकली एक पिकअप ट्रक के लिहाज से ये मेरे ख्याल से मैक्सिमम फीचर्स हैं। ये चीज़ें यूजली आपको फुल साइज SUVs में देखने को मिलती हैं, जैसा कि रेंज रोवर वगैरह में, बट इसके साइड मिरर में भी इतने फीचर्स दिए गए हैं। और ये गाड़ी क्योंकि लैरियट है तो इसके साइड मिरर क्रोम में हैं। बाकी इसके अलावा इसके डोर खुलने पे इसके फुट स्टेप डिप्लॉय करते हैं लाइक दिस,
और ऐसा नहीं कि ये फुट से जो डिप्लॉय होता है ये मेरी टांग को तोड़ेगा, इसमें एक सेंसर आता है जो कि आपकी टांग को सेंस करके वापस चला जाता है। अभी डोर खुला हुआ है बट फुट से डिप्लॉय नहीं हुआ, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इनको आप अंदर से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं और ये चीज़ भी बहुत लग्जूरियस गाड़ियों में आती है। अगर आप लैंड क्रूजर लेते हैं तो उसमें भी चीज़ ऑफर नहीं होती, आप रेंज रोवर लेंगे तो उसमें आपको चीज़ नजर आएगी, बट एक पिकअप ट्रक होते हुए भी ये गाड़ी ये सारी चीज़ें ऑफर करती है। इसका जो कंपटीशन बनता है शेवी सिल्वराडो हो गया, डॉज रैम हो गया, ये इस तरह की बहुत सारी गाड़ियाँ वो क्वालिटी के लिहाज से इससे आदि भी नहीं है। तो अगर आप अमेरिकन पिकअप ट्रक्स की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आई हाईली रिकमेंड फोर्ड, ये गाड़ी बेस्ट चीज़ है। फीचर्स के लिहाज से एस 300 वगैरह के बराबर होती है। और अगर आप इसके ड्राइवर डोर पर गौर करें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं। इस तरह से कि फिर गाड़ी में स्मार्ट एंट्री आती है, यानी कि मैं इसको यहीं से ही लॉक और अनलॉक कर सकता हूँ इस तरह से। और इसके अलावा यहाँ पे पासकोड भी दिया गया है, आप इस पर पासकोड लगा सकते हैं, तो फिर आपके पास जैसे चाबी ना भी हो आप पासकोड लगा के इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। और अगर लेट्स सपोज आप इसकी चाबी इसके अंदर भूल भी जाते हैं तो आप पासकोड लगा के इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है और इसको सेटअप आप जाके इसकी सिंक वाली स्क्रीन से करेंगे सेंटर में। फिर इसके अलावा इसमें एंट्री एक्सिट भी आसान है क्योंकि इसमें ये फुल स्टेप आता है, वरना ये गाड़ी हाइट के लिहाज से अच्छी खासी ऊंची है क्योंकि सस्पेंशन इस गाड़ी में फॉक्स का है। ये सस्पेंशन बेसिकली F-150 रैप्टर में आता है। बाकी इसके अलावा मैं इसमें काफ़ी आसानी से चढ़ के इस तरह से बैठ सकता हूँ। डोर पैनल्स वगैरह इसमें अच्छे खासे मैसेज दिए गए हैं। इंटीरियर में भी ये गाड़ी बहुत चौड़ी है जो कि मैं कवर करूँगा अभी। और ये गाड़ी पिकअप ट्रक होते हुए पैनोरामिक रूफ ऑफर करती है जो कि अगेन मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है। फिर इसके अलावा अगर आप गौर करें तो इसके सस्पेंशन में जो ये वाला एरिया है ये एक्स्ट्रा है, नीचे जो एक रॉड सा लगा हुआ है ये चीज़ सिंपल कार में नहीं आती। ये गाड़ी क्योंकि एक एक्सट्रीम परफॉर्मेंस वर्जन है और आप इसको एक ट्रैक ट्रक भी कह सकते हैं, तो इसी वजह से इस पर सस्पेंशन में थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस की गई हैं। बाकी इसके अलावा रिम इस गाड़ी में 18 इंचेस के हैं जो कि इतनी बड़ी गाड़ी के लिहाज से छोटे लग रहे हैं, लेकिन ये गाड़ी एक ऑफ रोडर भी है तो उसके हिसाब से इसमें रिम छोटे रखे गए हैं और टायर्स ऑल टेरेन रखे गए हैं। और इसके अलावा इसके जो ये रिम्स हैं ये भी शेल्बी वाले हैं। फिर साइड पे जो आप गौर कर रहे होंगे ये बेसिकली एक फुट स्टेप है जिसको आप इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं और फिर यहाँ पे चढ़ के इसके बेड को एक्सेस कर सकते हैं। ये चीज़ XLT वगैरह में आती है, लिमिटेड या किंग डैश में आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी। बाकी इसके अलावा बेड के लिहाज से भी ये गाड़ी अच्छी खासी मैसिव है और इसके फ्यूल डोर को भी आप डायरेक्टली इस तरह से ओपन कर सकते हैं क्योंकि इसमें इजी फ्यूल वाला इनलेट आता है। अगर आप मस्टैंग देखें या कोई भी फोर्ड की गाड़ी देखें तो उसमें फ्यूल का इंसर्ट इसी तरह का दिया गया होगा, आप डायरेक्ट उसको उंगली से पुश करके इसके अंदर फ्यूल डाल सकते हैं। बाकी इसके अलावा हाइट के लिहाज से तो ये गाड़ी बहुत ऊंची है ही। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इस वाले एंड की तो ये गाड़ी शॉर्ट बेड वाली है, इसमें एक लॉन्ग बेड वाला वर्जन भी आता है किंग रेंच, मैंने उसका रिव्यू किया हुआ है, वो गाड़ी साइज़ में इससे बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और वो गाड़ी बेसिकली इतनी ज़्यादा मैसिव है कि इसका मनूवर करना शहर में कोई खास आसान नहीं है, ये एक डिसेंट साइज़ है। फिर इसके अलावा इसका जो बेड है इसके ऊपर ये एक लिड लगी हुई है जो कि अगेन बहुत मज़ेदार है और इसके ऊपर भी शेल्बी वाली स्टाइल्स कंटिन्यू करती हैं। ये सिंगल ही पीस है, इस पूरे पीस को ऊपर उठा सकते हैं। और उसके अलावा इसमें बेड भी काफ़ी लग्जूरियस है जो कि मैं कवर करूंगा अभी आगे जाके, इसके अंदर प्रॉपर कारपेटिंग हुई भी है। फिर इसके अलावा बैक पे शेल्बी की वॉशिंग दी गई है एंड दैट्स इट, यहाँ पे सब कुछ बहुत डिसेंट सा रखा गया है, कोई क्रोम फ्लैशनेस वगैरह इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं की गई। और इसके टेल लाइट्स में यहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट रडार की वॉशिंग दी गई है, ये बेसिकली इसका ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है और ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा ड्राइव करने में। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर एंड की तो ये भी पूरे ही लाइनअप में सबसे ज़्यादा एग्रेसिव है। रैप्टर में बैक बिल्कुल सिंपल सा आता है, किंग रैश में बहुत ज़्यादा क्रोम आता है, लिमिटेड भी क्रोम ऑफर करता है काफ़ी, लेकिन ये गाड़ी मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा एग्रेसिव है। यहाँ पे दो स्ट्रैप्स कंटिन्यू करती हैं, इसमें मस्टैंग जैसी और इसके अलावा बैक पीस शेल्बी की बैचिंग दी गई है। ट्रंक इसमें पावर आता है, इसको मैं की फॉब से भी अनलॉक कर सकता हूँ, की फॉब को अगर मैं डबल टैप करूँगा तो इसका बूट अनलॉक होगा, लेकिन उससे पहले मैं इसके लिड ऊपर उठाऊंगा, इसको मैं पुश करके इस तरह से ऊपर की तरफ उठाऊंगा लाइक दिस, और फिर अगर मैं डबल टैप करूंगा इसकी की पे तो इसका बूट इस तरह से ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा और ये भी डायरेक्ट गिर नहीं जाता। इसमें भी हाइड्रोलिक्स दिए गए हैं तो यहाँ पे हर एक चीज पे बहुत ज्यादा काम किया गया है। फिर इसके ट्रंक के अंदर ये प्रॉपर कारपेटिंग हुई हुई है जो कि इसकी लुक को बहुत ज्यादा बेहतर बना रही है और नीट बना रही है। और यहाँ भी शेल्बी की बैचिंग दी गई है, ऐसा नहीं है कि आफ्टर मार्केट खुद करवाई गई हो कस्टमर की तरफ से, शेल्बी में ये चीज आती है। और इसके अलावा यहाँ फिर एक पावर आउटलेट भी दिया गया है, लाइट्स दी गई हैं, ट्रंक के अंदर प्रॉपर मैटिंग की गई है, इवन जो इसका फुल टैप है उसके ऊपर भी शेल्बी की बैचिंग दी गई है। तो यहाँ पे हर चीज ब्रांडेड है। इसका सिर्फ जो बूट है ये ओपन होता है की फॉब से, जो इसकी नई जनरेशन आई है 14 जनरेशन 2021 से ऑनवर्ड्स, उसमें बूट की फॉब से बंद भी होता है, मैंने उसका रिव्यू किया हुआ है और वो हमारे पेज पे देख सकते हैं। फिर इसके अलावा इसमें यहाँ पे की फुट स्टेप भी दिया हुआ है, इसको पुश करके मैं इस तरह से बाहर निकाल सकता हूँ और इसके दो स्टेप्स हैं, पहले की स्टेप नीचे जाएगा लाइक दिस और फिर इसका मैं ये ग्रैब हैंडल इस तरह से बाहर निकाल के ओपन कर सकता हूँ और अब ये मुझे बैक पेज इसमें चढ़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो फोर्ड में हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा वर्क किया जाता है और आई हाईली रिकमेंड दीज ट्रक्स, लग्जरी के लिहाज से प्राडो वगैरह से बहुत ऊपर हैं। बाकी गाड़ी बैक पे पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है, इसमें रिवर्स कैमरा आता है, रिवर्स कैमरा के साथ एक छोटी सी लाइट दी गई है, देखने में तो ये बहुत ही छोटी सी लाइट है लेकिन जब ये जलती है तो बहुत ही ब्राइट है।
फिर इसके अलावा ऊपर यहाँ पे इसका ब्रेक लैंप दिया गया है, साइड पर लाइट्स दी गई हैं अगेन, और इसके अलावा इसकी जो है विंडो है ये फिक्स है क्योंकि गाड़ी लैरियट से कन्वर्टेड है। जो इसमें रैप्टर आता है या लिमिटेड आता है या फिर प्लैटिनम आता है उनमें ये विंडो ओपन होती है इलेक्ट्रॉनिकली अंदर से। बाकी इसके अलावा इसमें बैक पे ये डबल एग्जॉस्ट दिए गए हैं, ये चीज़ भी F-150 ऑफर नहीं करता सिंपल, या तो ये आपको रैप्टर में नजर आएंगे या फिर आपको शेल्बी में नजर आएंगे। ये क्योंकि शेल्बी है तो इसमें शेल्बी की बैचिंग भी दी गई है प्रॉपर एग्जॉस्ट के ऊपर, तो ये मेरे ख्याल से बहुत बेस्ट चीज़ है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो एक्सटीरियर की तरह इसका इंटीरियर भी बहुत ज़्यादा वाइड है और ऊंचा है। मेरे कैमरे का स्टैंड मैंने मैक्सिमम ओपन किया हुआ है बट स्टिल अभी भी इस गाड़ी के लिहाज से नीचे है। खैर अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये पिकअप ट्रक होते हुए भी इंटीरियर मेरे ख्याल से तो V8 से बेहतरी ऑफर करता है। यहाँ पे फीचर्स भी ज़्यादा दिए गए हैं, चौड़ा भी ज़्यादा है और लग्जूरियस भी ज़्यादा है। लग्जूरियस इस तरह से कि इसमें चारों सीट्स हीटेड हैं, वेंटिलेटेड हैं, इसका स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड है, फिर गाड़ी पैनोरामिक रूफ ऑफर करती है जो कि LT 300 भी ऑफर नहीं करती, और इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी जबरदस्त चीज़ें दी गई हैं जो कि मैं कवर करूँगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इसमें अच्छा खासा मैसिव दिया गया है और ये हीटेड है, इसकी ये वाली ग्रिप सर्दियों में गर्म होती हैं। फिर इसके अलावा इसमें मटीरियल या कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट वाले स्पोक से मैं इसकी MID की विशन नेविगेट कर सकता हूँ, राइट स्पोक से मैं इसका ये मल्टीमीडिया यूज़ कर सकता हूँ, और इसके अलावा क्रूज कंट्रोल भी इस गाड़ी में अडॉप्टिव आता है, यानी कि ये गाड़ी अगली गाड़ी के हिसाब से अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा करेगी। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर भी इसका साइज के लिहाज से तो बहुत ही बड़ा है और इसकी स्पीड लिमिट 120 माइल्स पर आवर या 200 किलोमीटर पर आवर तक है। और इसके अलावा सेंटर फेस में MID दिया गया है और ये MID आपको इस गाड़ी की बहुत सारी चीज़ें शो करवाता है। इसमें डिटेल्स पे बहुत सारा वर्क किया गया है, जैसा कि आपको इसके टर्बो का स्पूल भी शो करवाता है उन गाड़ियों में जो टर्बो आता है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी आपको इसका ट्रिप, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, फिर इसके अलावा इंजन रनिंग टाइम, आइडलिंग टाइम, टोटल मतलब गाड़ी कितना चल चुकी है स्टार्ट होने के बाद, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें शो करवाता है। फिर इसके अलावा ऊपर 4 गेजेस दिए गए हैं, ये गेज बेसिकली ऑयल टेम्परेचर, गाड़ी की टेम्परेचर, फ्यूल गेज और फिर मेंटेनेंस इंटरवल्स वगैरह का है। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी आपको यहाँ पे ऑयल लाइफ भी शो करवाती है, टोइंग के ऑप्शन भी शो करवाती है, टोइंग का स्टेटस क्या है और उस पर टोइंग के बैक पे क्या सिचुएशन है वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे शो करवाएगी। फिर इसके अलावा यहाँ पे आप इसकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन को भी एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से, और गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसा कि ब्राइट स्पॉट मॉनिटर्स को, पार्किंग सेंसर्स को, इस तरह की सारी चीज़ें। फिर इसके अलावा अगर बात करें स्टीयरिंग की मूवमेंट की, तो ये स्टीयरिंग व्हील ऑटो टेलीस्कोपिक है, यानी कि अगर मैं इस गाड़ी को ऑन ऑफ करूंगा तो ये स्टीयरिंग व्हील ऑटोमेटिकली ऊपर या नीचे होगा और मेरी सीट भी ऑटोमेटिकली आगे पीछे होगी। इसकी सीट में 3 मेमोरी फंक्शन भी दिए गए हैं। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड भी इसका साइज के लिहाज से बहुत ही मैसिव है पिकअप ट्रक्स के लिहाज से। अगर आप रिवो का डैशबोर्ड देखें तो वो हार्डली इतना सा होता है, जबकि इसके केस में ये बहुत बड़ा दिया गया है और इसमें सेंटर में सोनी की बैचिंग दी गई है। साउंड सिस्टम भी इस गाड़ी में सोनी का है, ये मेरे ख्याल से अगेन एक बेस्ट चीज़ है। फेस लिफ्ट के बाद यहाँ पे बैंग एंड ओलुफ्सन आ गया था। फिर इसके अलावा डैशबोर्ड इसका पूरा ही लेदर की फिनिश में है, क्वालिटी यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे है, और इसके अलावा डैशबोर्ड के सेंटर में इसकी ये मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है। इस स्क्रीन को फोर्ड सिंक कहता है, FYNC, और ये फोर्ड का बेसिकली प्रोप्राइटरी सिस्टम है और ये काफ़ी ज़्यादा इंट्रैक्टिव है और काफ़ी ज़्यादा लाइक स्मूथ भी है। मैं जैसे टच करता हूँ तो ये रिस्पॉन्ड करता है, इसमें कोई डिलेस नहीं है और फीचर्स के लिहाज से भी अच्छा है। इसमें ब्लूटूथ, ऑस नेविगेशन, USB, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे आपको गाड़ी की स्टैट्स भी शो करवाता है, क्लाइमेट कंट्रोल भी शो करवाता है, और इसके अलावा नेविगेशन भी इसमें इनेबल्ड है। फिर इसके अलावा डिस्प्ले के लिहाज से भी अच्छा है, नीचे इसके कुछ फिजिकल कंट्रोल दिए गए हैं और उससे नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल की गाड़ी डुअल ज़ोन ऑफर करती है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ नहीं है जो कि इसके लिमिटेड वर्जन वगैरह ऑफर करते हैं और वो है मसाजर सीट्स। इसमें सीट्स मसाजिंग वाली नहीं है लेकिन बाकी इसमें सब कुछ है। फिर इसके अलावा ये दोनों ही सीट्स हीटेड वेंटिलेटेड हैं, इनको मैं यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकता हूँ इस तरह से, और इसके अलावा नीचे फिर एक ये ड्रॉ दी गई है जिसको मैं इस तरह से एक्सेस कर सकता हूँ। इसमें भी 2 पावर अपडेट दिए गए हैं, उसके साथ यहाँ पे इसके 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं फ्रंट वाले कप होल्डर के अंदर, जिसका की का इंसर्ट आता है। अगर लेट्स सपोज इसकी की काम नहीं कर रही या गाड़ी डेड हो गई है, तो आप इसकी चाबी को यहाँ पे रखेंगे और फिर गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसके अलावा साथ इसका गेयर सिलेक्टर दिया गया है, इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND M2 और 1 की। आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं और मैनुअल चलाने के लिए इसमें यहाँ पे प्लस माइनस दिए गए हैं गेयर के साथ। कुछ गाड़ियों में पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं रैप्टर वगैरह में, इसमें वो चीज़ नहीं दी गई। फिर इसके अलावा इससे पीछे इसका ऑटो पार्क का बटन दिया गया है, लेन डिपार्चर असिस्ट का बटन दिया गया है, और इसके अलावा डैशबोर्ड में ऊपर यहाँ पे इसका 360 कैमरा का कंट्रोल भी दिया गया है। ये गाड़ी आपको 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी ऑफर करती है पिकअप ट्रक होते हुए। फिर से पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है, सेंटर कंसोल इसका साइज के लिहाज से लेक्सस के कंसोल से भी ज़रा बड़ा है, लेकिन ये कूल्ड नहीं है, ये जस्ट एक काफ़ी बड़ी ड्रॉअर है जहाँ पर अपना सामान रख सकते हैं
और इसमें एक ट्रे दी गई है, दैट्स इट। यहाँ पर एक पॉप अपडेट भी दिया गया है, और इसके अलावा इस कंसोल के ऊपर एक मजेदार चीज दी गई है और वो है शेल्बी का बैच। सेंटर में काफी बड़ा सारा स्नेक बना हुआ है, और उसके अलावा शेल्बी F-150 750 हॉर्स पावर की बैचिंग दी गई है। ये गाड़ी इतनी ज्यादा पावरफुल है। फिर इसके अलावा ये कंसोल सारा लेदर की फिनिश में है, पीछे दो कप होल्डर्स दिए गए हैं, और अगर बात की जाए सीट्स की तो सीट्स भी इस गाड़ी की लेदर की फिनिश में ही है और ये परफोरेटेड है, यानी कि इनमें पंच होल्स दिए गए हैं जहाँ से गाड़ी आप पे हवा थ्रो करेगी, और ये सीट हीटेड भी है। फिर इसके हेडरेस्ट के अंदर ये शेल्बी की बैचिंग दी गई है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक नाइस अटेंशन टू डिटेल है, और बाकी ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है। इस रूफ को मैं इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ से फोल्ड अनफोल्ड कर सकता हूँ इस तरह से, और इसका एक कर्टन भी आता है। कैबिन लाइट्स इसकी एलईडी में है, और इसके अलावा वैनिटी मिरर गाइड ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ऑफर करती है विद अ लाइट जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें थोड़ा सा लेफ्ट पे, तो ड्राइवर की लेफ्ट साइड पे इसकी विंडोज के कंट्रोल दिए गए हैं, इसकी चारों ही विंडोज सिंगल टैप वाली हैं। फिर इसके अलावा इसके साइड में रिट्रैक्टेबल हैं, और इसके अलावा इसकी डोर हैंडल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। इसमें एम्बियंट लाइट्स भी आती हैं, एम्बियंट लाइट की ब्राइटनेस कोई भी अपनी मर्जी के लिहाज से कम और ज़्यादा कर सकता हूँ, और बाकी इसके अलावा इसके हेडलाइट के कंट्रोल भी यहीं पर दिए गए हैं। हेडलाइट के कंट्रोल से नीचे यहाँ पे इसका एक और बटन दिया गया है, जो कि इसके पैडल की एडजस्टमेंट है। इसके पैडल्स को आप यहाँ से आगे और पीछे कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से, और इसके अलावा बाकी ये गाड़ी फुट ब्रेक ऑफर करती है। इसके अलावा रेव्यू मिरर इसमें ऑटोमेटिक फीचर के साथ आता है, वाइपर इसमें रेन सेंसिंग है, और बाकी यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेड पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। मैं यहाँ पे लिटरली इस तरह से ऑलमोस्ट लेट सकता हूँ, यहाँ पे इतना लेग रूम दिया गया है, और अभी फ्रंट की सीट ऑलमोस्ट पूरी ही पीछे है, तो ये मेरे ख्याल से बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर मैं इसको काफ़ी आगे कर दूंगा तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेग रूम बाकी होगा। फिर इसके अलावा हेडरूम का भी इसमें कोई इशू नहीं है, और ये गाड़ी चौड़ाई के लिहाज से भी बहुत चौड़ी है, तो यहाँ पे 3 से 4 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। इसके अलावा मैं अगर यूँ लेटना चाहूँ तो इसमें लेट भी सकता हूँ, ये गाड़ी इतनी ज़्यादा चौड़ी है। फिर इसके अलावा फीचर भी बैक पे अच्छे दिए गए हैं, इस तरह से कि रेयर पैसेंजर्स के लिए एयरबैग्स आते हैं, रेयर सीट्स इसमें हीटेड है जिनको मैं यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा यहाँ पावर आउटलेट्स भी दिए गए हैं 3-3, और इसके अलावा ऊपर पैनोरामिक रूफ भी दी गई है। इसमें ये फिर रीडिंग लाइट्स दी गई हैं जो कि अच्छी खासी ब्राइट हैं, और इसके अलावा इसके डोर हैंडल्स के अंदर एम्बिएंट लाइट्स भी आती हैं जिनके मैं कलर्स को चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्जी के लिहाज से। सेंटर में ये सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकता हूँ, और इसमें दो कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। फिर इसके अलावा ये गाड़ी बैक पे 3 हेडरेस्ट ऑफर करती है, एयरबैग्स ऑफर करती है, इसके पोर्ट्स ऑफर करती है, सीट बेल्ट ऑफर करती है, और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की पावर यूनिट की, जो कि इस गाड़ी का इंजन है, तो इंजन ये गाड़ी 5.0 लीटर V8 सुपरचार्ज ऑफर करती है। सुपरचार्ज हर शेल्बी में नहीं आता, शेल्बी सिंपल भी ऑफर करता है 5.0 V8, और ये भी ये वेपर का सुपरचार्जर है जो कि 2.9 लीटर का है। ये सुपरचार्जर इसकी हॉर्स पावर को 750 पे ले जाता है। अगर मैं आपको फॉर रेफरेंस बताऊँ, जो लैंड क्रूजर होती है 5.7 या फिर लेक्सस जो होती है 5.7, वो इंजन साइज के लिहाज से इससे ज़्यादा बड़ी है, लेकिन वो गाड़ियाँ 350 या 370-380 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती हैं, जबकि ये गाड़ी 5.0 होते हुए 750 प्रोड्यूस करती है। या फिर अगर आप मर्सिडीज देख लें तो ब्रेबस G6x6 जो है वो गाड़ी 700 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जबकि प्राइस के लिहाज से वो गाड़ी इससे बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। तो वो गाड़ी 700 प्रोड्यूस करती है, ये गाड़ी 750, तो ये हर लिहाज से एक बीस्ट इंजन है। इसके अगर आप इंजन के लुक को देखें तो ये इटसेल्फ भी काफ़ी खूबसूरत है। ऊपर इसकी ब्लू कलर का काफ़ी बड़ा विपल सुपरचार्जर लगा हुआ है, और इसमें से काफ़ी मोटा सारा इनटेक निकल के जा रहा है साइड पे, और उसी की वजह से इस गाड़ी का हुड भी थोड़ा सा रेज्ड है। इसके अलावा बाकी यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं इसकी कि सुपरचार्जर की बेल्ट आप हर 30,000 माइल के बाद चेंज करेंगे, सुपरचार्जर का ऑयल आप हर 1,00,000 माइल के बाद चेंज करेंगे, इस तरह की छोटी मोटी इंस्ट्रक्शंस। और उसके अलावा यहाँ पे अटेंशन टू डिटेल भी बहुत है, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों पे वर्क किया गया है। जैसा कि अगर आप इसकी इंजन की पुलिस को देखें तो उन पर भी शेल्बी या वेपल लिखा हुआ है, फिर इसी तरह इसके इंटेक के ऊपर भी शेल्बी लिखा हुआ है, इंटेक है भी कार्बन फाइबर का, तो हर चीज़ पे फोर्ड ने बहुत सारा वर्क किया है। बाकी इंजन 5.0 है, V8 है, काफ़ी पावरफुल है, रिलायबल भी है, और इसके अलावा ये गाड़ी आपको एवरेज तकरीबन 3.9 या 4 किलोमीटर पर लीटर तक की देगी, जो कि मेरे ख्याल से कम है, लेकिन इतनी पावरफुल और इतनी बीस्ट गाड़ी के लिहाज से मेरे ख्याल से जस्टिफाइबल है। ये गाड़ी अगर आप 4x4 पे रख के इसको एक्सेलरेट करते हैं एकदम से, तो ये गाड़ी बहुत तेज़ से निकलती है, और ये 0-100 भी अंडर 5 सेकंड्स कर सकती है अगर आप इसको सही तरीके से चलाएं तो। बाकी ये गाड़ी अगर आप सिर्फ रेव पे चलाते हैं तो ये टेल बहुत ज़्यादा करती है, और उसका अपना ही शार्म है। बाकी इसके अलावा बोनट इस गाड़ी का हाइड्रोलिक से ओपन होता है। इसके अलावा इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, ड्राइव मोड्स भी आते हैं, ABS आती है, और ऑटोमेटिक ब्रेक आती है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।